पेश है आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा रोस्ट वीडियो। जी हाँ मेरे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वादा किया था कि अगर मेरे इस वीडियो पे 2K से प्लस लाइक जाते हैं तो मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त रोस्ट वीडियो लेके आऊंगा। उसमें मैं नाम नहीं बताया था कि किस पर मेरा रोस्ट वीडियो रहेगा, लेकिन इसमें अगर आप लोगों को नाम बताया जाए तो ये रोस्ट वीडियो रहने वाला है कुकुरमुत सिंह चिरकुट पर। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप लोग इसको नहीं जानते हैं तो इसका सोशल मीडिया पर बहुत सारे नाम से ये जाना जाता है, जैसे कि पादन सिंह मुकुट और क्या क्या नाम नहीं, मतलब इसका नाम बहुत सारा है। इसका आज बहुत ही जबरदस्त ढंग से जवाब देने वाले हैं और ये जितना भी बात अपने मौसा को लेकर बोल रहा है उसका हकीकत इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल से नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजप्रिया जहान में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि कल कुकुरमुत सिंह चिरकुट एक वीडियो बनाता है जिस वीडियो में खेसारी लाल यादव को ये रोस्ट करता है, और उस वीडियो में सिर्फ खेसारी लाल यादव के बारे ही में नहीं बल्कि खेसारी लाल यादव के पिताजी, खेसारी लाल यादव की पुत्री और खेसारी लाल यादव की पत्नी सभी को शामिल करके एक वीडियो बनाता है। उस वीडियो को देखने के बाद सभी खेसारी फैंस का दिमाग का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। बहुत सारे मेरे भाई मेरे पास लिंक भेजते हैं कि भैया इसको जवाब दीजिए। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं पूरा जवाब का लिस्ट तैयार करके आया हूँ। पहले इसका वीडियो का शुरुआती देखिए कि क्या बोला है। डर मानना होगा इस बेशर्म इंसान को, पवन सिंह तो खेसारी भैया को ये बेशर्म बोल रहा है। तो बोलबे बेशर्म जे खेसारी लाल के फाड़ देम पिछवाड़ा बांस डाल के। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये तो रहा इसका पहला बात का जवाब, लेकिन आगे चलते हैं और इसके बातों का जवाब देते हैं। इसका वीडियो का सबसे पहला टॉपिक रहता है कि आई नहीं जो सॉन्ग है उसमें क्या मंगरू यादव इन्वॉल्व थे, कितना व्यूज गया। अगर आपके नाम से व्यूज आता है तो खेसारी भैया के बारे में ऐसा बोलता है। तो एक चीज मैं इसको बताना चाहूंगा कि तुम्हारे मौसा की वजह से उस गाने पर व्यूज नहीं गया है, क्योंकि स्त्री 2 के सभी गानों पर बहुत ही ज्यादा व्यू गए थे। क्योंकि एक बात और तुमको याद दिला दूं कि इससे भी बड़ा हिट स्त्री 2 का गाना है आज की रात, उसमें तो तुम्हारी मौसी डांस नहीं की थी, उसमें तो पवन सिंह नहीं ना थे, तो उस गाने में कैसे इतना व्यू चला गया। इसमें तो मानते हैं तुम्हारे मौसा थे, लेकिन उस गाने में भी तुम्हारी मौसी थी क्या? वो क्या बोलते हैं, तमन्ना भाटिया थी ना। उस गाने का सिंगर का कोई नाम भी नहीं जानता है, फिर भी वो गाना सुपर डुपर हिट है। और आई नई गाने इनके मौसा गा दिए तो इनके मौसा के वजह से व्यूज आ रहा है। इसका जो व्यूज गया है वो ज्यादातर स्टार कास्टिंग के वजह से गया है, क्योंकि स्टार कास्टिंग में वहां पर राजकुमार राय और श्रद्धा कपूर थे, तो उन लोगों के वजह से ज्यादातर व्यूज जा रहा है। और एक बात और तुम्हारे जानकारी के लिए बता दे कि राजकुमार राय भी एक यादव परिवार से बिलोंग करते हैं और वहां भी अहिरे के पावर रहे। आई नहीं वाले सवाल पे तो इसका जवाब मिल गया, लेकिन दूसरा ये क्या बोलता है कि खजरा मोहब्बत वाला गाना भी एक नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, इतना व्यू जा रहा है, क्या उसमें चंदा भाभी ऐसे करके कुछ इशारा करता है। तो इसको बता दें कि ये इस गाने का अगर हकीकत तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारे बता दूं कि तुम्हारे मौसा अपने एड़ी से लेके चोटी के बल, अपने पूरे पिछवाड़े के बल लगा के इस गाने को आगे बढ़ा रहे हैं। और नहीं विश्वास है तो सबूत मेरे पास है, यहाँ पर देखो कैसे खेसारी लाल यादव के गाना लोग सुनने जा रहे हैं। तो तुम्हारे मौसा का एड चल रहा है और इसी एड पे गुमान कर रहे हो क्या, इतना व्यू चला गया। अरे एड नहीं लगेगा तो कब के कहां गई रतन कोई पता ना रहे। और देख लीजिए मेरे भाई इसी एड पर इसका गुमान, उसमें चंदा भाभी ना, अगर तो अपन मौसे की डांस करवा दे तो एड लगा जरूरी इतना पड़ी। और आगे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को तुलना करते हुए बोलता है कि पवन सिंह के प्रोडकास्ट पर तो इतना व्यू चला गया, अगर खेसारी जी आपके वजह से गया है तो जी में डी ऐसा करके कुछ वर्ड बोलता है तो अपने प्रोडकास्ट पर आधा भी व्यूज ला के दिखा दीजिए। तो मैं इसकी जानकारी के लिए बता दूं, बबुआ काहे इतना हल्ला करतड़े, रमोसा के जितना ब्रॉडकास्ट में व्यूज नहीं गई ओकरा से ज्यादा व्यूज खेसारी लाल यादव 24 घंटा में ही ला दिल बड़े। अगर तोरा सबूत चाहिए तो सबूत देख ले, सारा चीज सबूत के साथ आइल बानी, तोरा नियन फालतू के लोगों के टाइम बर्बाद ना करावनी, जो भी दिखावनी सबूत के साथ दिखावनी। देखिए मेरे भाई, फेसबुक पर खेसारी लाल यादव का जो इंटरव्यू आया था उसपे 24 घंटे में ही 3.3 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका। अब ये चीज देखने के बाद बहुत सारे बोलेंगे कि ये तो फेसबुक पर गया है, यूट्यूब पर व्यूज तो नहीं गया है। तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि फेसबुक भी तो इंसान ही चलाते हैं, फेसबुक तो कोई जानवर नहीं चलाता है, इस पर भी कोई देखा होगा तो इंसान ही देखा होगा, इस पर भी व्यूज जा रहा है तो इंसान ही का व्यूज जा रहा है। और रहा बात यूट्यूब का, तो टाइम्स ऑफ अयोध्या का यूट्यूब जो है वो रीच बहुत ही डाउन चल रहा था, फिर भी खेसारी लाल यादव के इंटरव्यूज से उस पर लाखों में लाखों व्यूज आया है। तो वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं कि जहां 2000-3000 व्यूज आ रहा था वहां खेसारी लाल यादव का जैसे ही इंटरव्यू आता है वहां पर लाखों में व्यूज आता है, और जहां पर इनका रीच हाई था यानी कि फेसबुक पर, वहां पर 3 मिलियन से प्लस व्यूज
गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए ये भी जवाब क्लियर हो गया। आगे ये बोलता है कि 100 में से 80 गाना चुराई के गावे ले, तो तार मौसा अभी जो बबुआ वाला गानवा गई बड़े उतार मौसा के अपन कम्पोजिशन है कि अपना से पैदा कैले रहे गानवा के, वो गाना मसूरी लाल यादव के ही है, वहां भी यादव जी के सहारा ले पड़ता तारा मौसा जी के। क्रेडिट दे दिल बाड़े धर्मवीर सिंह के, जाके देख लिए यूट्यूब पर खंगोल के पूरा कि तोरा धर्मवीर सिंह से भी पहले मसूरिया मेल यादव के गाना रिलीज हो रहे है, और मसूरिया मेल यादव का गाना उठा के धर्मवीर सिंह गाया था और उसका गाना उठा के तुम्हारे मौसा पवन सिंह गाए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल सबूत है, आप लोग जाकर यूट्यूब पर पूरा देख सकते हैं। क्योंकि आगे बोलता है खेसारी लाल यादव की बेटी कृति के बारे में कि अपने बेटी को इस्तेमाल करते हैं व्यूज लाने के लिए, तो तू भी तो अपने पूरा परिवार का इस्तेमाल करता है व्यूज लाने के लिए, कौन नहीं तुम्हारी माँ बहन का गाली दे रहा है सोशल मीडिया पर। अभी जाकर देखिए, ऐसे बहुत सारे खेसारी फैंसों का मैं वीडियो दिखा दूंगा जो कि दिन रात इसकी माँ बहन के गाली देते हैं, तो तुम भी तो अपने व्यूज के लिए अपनी माँ बहन के गाली सुन रहे हो, उस हिसाब से तो तुम भी अपने माँ बहन का इस्तेमाल कर रहे हो व्यूज लाने के लिए। खुद सुन लीजिए आप लोग कितना लोग क्या क्या बोलते हैं। और उसमें अगर हाँ बेटा तू तो विवाद करबे करबो, कबो पवन सिंह के तो कबो खेसारी की अपन बाप बना लेवेल काम कर दे, तू भी एकदम छक्का वाला काम कर दे, स्टार्ट कर देले बरो खबर चला तो चैनल दलाली कम करो ठीक है। पवन सिंह तुम्हारा थी है जीजा तू का वही ना बताइए, तो तू जीजा का पवन सिंह तू ना, तो हो तो जीजा है तो खेसारी लाल जिसके बदौलत तू अपना घर चला रहा ना, मतलब आप समझो। जो लोग नहीं जानते हैं इसके चैनल पे जाइए और देखिएगा, दो चैनल इसका, यवन बिहार करके और राजन से मुकुट। तो ये भी आप लोग देख लिए कि इसके चलते इसकी माँ बहन बेचारी लोगों को कितना सुनना पड़ता है, ये बेशर्म इंसान है। और आगे अब चलिए आप लोगों को बताते हैं अंतिम चीज, अंतिम में क्या बोलता है खेसारी लाल यादव। बोले कि पवन सिंह मेरे लिए कहीं खड़ा नहीं हुए थे, तो ये खड़ा हुए की एग्जाम्पल में क्या बोलता है कि पवन सिंह ने अपने फिल्म में काम देकर तुमको आगे बढ़ाए, यानी प्रतिज्ञा 2 साजन चले ससुराल अपने जमाने का सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म था, उसके बाद आया था जान तेरे नाम जो कि मार्केट में तहलका मचा दिया था, उसके बाद आया था बलमुआ बिहार वाला जो कि बवाल मचा दिया था। खेसारी लाल यादव ने अपने दम पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, ना कि तुम्हारे मौसा के दम पर। तुम्हारे मौसा के फिल्म उस समय नहीं चलने लगा था खेसारी लाल यादव के क्रेज के वजह से, इसीलिए तुम्हारे मौसा ने अपने फिल्म में खेसारी लाल यादव को प्रतिज्ञा 2 में रखा था कि मेरा भी फिल्म चल जाए, क्योंकि तुम्हारा मौसा का पत्ता साफ कर दिए थे खेसारी लाल यादव फर्स्ट टाइम फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। नागिन ब्लॉकबस्टर हुआ था उस जमाने में, अभी भी जाके देख लो यूट्यूब पर, दो चैनलों पर 100 मिलियन से प्लस व्यूज है, तो ये क्यों नहीं सोच रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए मेरे दोस्त, मैंने तो सभी इसके सवालों को सही सही सटीक रूप से जवाब दे दिया, बस अब आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ये जवाब देने वाला सिलसिला क्या जारी रहे या बंद किया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा, एक लाइन आप लोगों का कमेंट से हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हम लोग ऐसे सी टाइप के लोगों को जवाब देने के लिए जागरूक रहते हैं। तो अपना एक बहुमूल्य कमेंट जरूर करें मेरे भाई। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि इसके वीडियो को देखने बाद जो जो भी भाइयों का दिमाग में गलत फहमी बैठ गया होगा वो हट सके। और जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल से नहीं जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, वीडियो को अभी तक देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।